नमस्कार, सच कहो पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। नजर पौने देश दुनिया की टॉप 10 खबरों से। हिमाचल के बिलासपुर में हैवी रेनफॉल, 5 घंटे में 108 mm दर्ज की गई बरसात। मौसम मारा के अनुसार अगले 72 घंटे के दरमियान पहाड़ा से मानसून हो सकता है कमजोर। 10 अगस्त को तेज वर्षा का येलो अलर्ट होया जारी। सूबे के 12 जिले में पिछले एक हफ्ते में 63% घट हुई बारिश। दिल्ली के एम्स में लगी भयानक अग, अग की सूचना मिलने से मची भगदड़। पुलिस और होर टीमों ने सारे मरीजों और स्टाफ के लोगों को कढ़िया बाहर। दमकल की 6 तो वध गड्डियां मौके पर पुजियां। फिलहाल अग लगन के कारणों का नहीं लग सकया पता। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट ने नूह दे विच संप्रदायिक हिंसा दे बाद जिले दे प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण ढाए जाण ते बुलडोजर कार्रवाई ते लगाई रोक। स्थानक डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों नूं कार्रवाई रोकण दे दित्ते आदेश। दस्सदी है कि पिछले 3 दिनों तो लगातार ढाए जा चुके हन बुलडोजर दे नाल सैकड़ा घर। तमिल सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस सिंधु का तमिलनाडु में होया देहांत। सिंधु लंबे समय तो ब्रेस्ट कैंसर के जूझ रही थी। दसणयोग है कि कैंसर का इलाज एफर्ट नहीं कर पा रही थी एक्ट्रेस। एक्ट्रेस ने वीडियो बना के लोगों तो मंगी सी आर्थिक सहायता। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन और पार्टी के होर आगुओं ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने से मनाया जश्न। कांग्रेस ने इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया से किया शेयर। मल्लिकार्जुन ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के खेतरीय पंचायती राज परिषद प्रोग्राम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा है आजादी के 4 दहाके तक कांग्रेस को समझ नहीं आया कि पिंडा विच पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना लाजमी है। जयपुर राजस्थान में SBI के रिश्वतखोर अधिकारियों से बड़ी कार्रवाई। होटल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर लखों रुपए की रिश्वत लेंदे किया रंगे हाथे काबू। पुलिस ने रिश्वत देने वाले ठेकेदार और 2 होर लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब के श्री मुक्तसर साहब जिले में ASI ने की आत्महत्या। पखे के लटकते मिली मृतक देह। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में थाना लंबी पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला किया दर्ज। हरियाणा के नूह हिंसा में शामिल आरोपियों को SP नरेंद्र ने दी सख्त चेतावनी। सरपंच और खेत्र के महत्वपूर्ण लोगों के साथ पुलिस ने की बैठक। SP बोले तुहानू पता है दोषी कौन है, सामने ले आओ वरना मैं अपने तरीके न करूंगा कार्रवाई। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से हरियाणा ने फिर दिताया हक। नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री ने की सिफारिश। विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता बोले पंचकूला का नाम भी जुड़ना चाहिए। दस दिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2022 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में लिख चुके हैं कई लेटर। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ज़्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी चैनल।